Assalamualaikum, welcome to student tube. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एचसीएफ इन स्क्वायर रूट एक्सरसाइज है 5.11 और क्वेश्चन है सिंप्लीफाई. तो चलें आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 प्लस 8 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1. अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑल ए, यानी कि ये जो उल्टा ए कैपिटल बना हुआ है इसका मतलब होता है मैथ में फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल ए. ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 ये वाली जो इक्वेशन है इज़ नॉट इक्वल टू 0. और ये भी कहा गया है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है. तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस इक्वेशन को एक बार इसी तरह से उतारेंगे. 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 प्लस 8 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1. तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो ये 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 इसी तरह से है प्लस 8. अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्योंकि अगर आप इसे देखें तो ये 8 है और नीचे है ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है. अब 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं. अगर हम स्क्वायर लगाएंगे भी तो 1 × 1 = 1 ही रहेगा, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है. अब यहाँ पर इसे मज़ीद फैक्टराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 और ए माइनस 1. 4 अपॉन, अब ए स्क्वायर माइनस 4 ए है तो यहाँ पर हम इसे कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस 4 ए है तो इसे हम करेंगे माइनस का 5 ए और माइनस का प्लस का ए, ठीक है. माइनस का 5 ए और प्लस का ए तो ये हो गए 4, माइनस का 4 ए फिर माइनस का 5 इसी तरह से. अब यहाँ पर 8 अपॉन ए प्लस 1 और ए माइनस 1 इसी तरह से, ठीक है. इसके बाद यहाँ पर 4, अब नीचे देखें तो ये मज़ीद फैक्टराइज़ हो सकता है तो यहाँ पर 4 अपॉन ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है. इसके बाद अंदर आ जाएगा ए माइनस 5, इसके बाद यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस 5, ठीक है. फिर प्लस का 8 ए प्लस 1 और ए माइनस 1 इसी तरह से. अब यहाँ पर बाकी का सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 अपॉन ए माइनस 5 कॉमन और ए प्लस 1, ठीक है. फिर प्लस का 8 अपॉन ए माइनस 1 और ए प्लस 1. इसके बाद यहाँ पर ये इसे बीच में प्लस करना है तो ये हो जाएगा 4. अब a माइनस 1 इसको हम यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, फिर प्लस 8. अब यहाँ से 8 के साथ हम करेंगे a माइनस 5, ठीक है. अब यहाँ पर आ जाएगा पहले a प्लस 1 फिर a माइनस 1. a प्लस 1 1 एक दफ़ा आया, कॉमन आ गया, फिर a माइनस 5, ठीक है. तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4a माइनस 4 प्लस 8a माइनस 8 5 = 40. तो ये हो गया नीचे इसी तरह से a प्लस 1 a माइनस 1 और a माइनस 5, ठीक है. इसके बाद 4a प्लस 8 है तो ये हो गया 8 9 10 11 12a, फिर माइनस माइनस प्लस तो ये माइनस का 44 अपॉन a प्लस 1 a माइनस 1 और a माइनस 5. तो यहाँ पर हम चाहें तो 12a माइनस 44 है तो बाहर कॉमन ले लें अगर हम 4, तो ये हो गया 4 × 3 = 12 a फिर माइनस 4 × 1 = 4 4 × 1 = 4 अपॉन a प्लस 1 a माइनस 1 और a माइनस 5 आंसर. तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा. मज़ीद क्वेश्चंस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.